हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग आज करने वाले हैं सेट्स का वीडियो नंबर 4। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ आपको बताया जाए, सब कुछ विस्तार पूर्वक अच्छे से बताया जाए ताकि आपको पूरा पूरा नॉलेज हो जाए और जब भी कोई एग्ज़ाम होता है स्कूल में फुल स्कोर लाना है आपका। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेट्स का 4th वीडियो। तो हम लोग इसमें करने वाले हैं बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस नए मिलने वाले हैं और NCERT एक्सरसाइज 1.3 ये पूरा फिनिश कर देंगे हम लोग आज। तो बच्चों बने रहो, देखते रहो और अगर आपको समझ में आता है, आपको फ़ायदा होता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना है बच्चों, बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सबसेट। ठीक है, आपको एक नया वर्ड मिला है सबसेट, क्लास 10 तक तो ये था नहीं लेकिन हम लोग अभी करेंगे और बहुत ही बेसिक से करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर सबसेट का मतलब है छोटा भाई। ठीक है ना, छोटा भाई क्या होता है, बड़े भाई पे डिपेंड होता है। तो सेट बड़ा भाई हो गया और सबसेट छोटा भाई हो गया। ठीक है, तो सबसेट का सिंबल क्या होता है, सबसेट का जो सिंबल होता है हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यू, ये है यू सबसेट का सिंबल। कंसीडर द सेट्स एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, बढ़िया है। वाई क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो बड़ा पिक्चर कौन सा है इसमें, बड़ा भाई कौन है इसमें, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। छोटा पिक्चर, छोटा भाई यहां कौन है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है ना, तो छोटा भाई, छोटा भाई को लेफ्ट में रखेंगे, बड़ा भाई को राइट में रखेंगे। तो छोटा भाई यहां कौन है, वाई है। ठीक है, और बड़ा भाई कौन है, एक्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है ना, अब बड़े स्कूल के अंदर तो बच्चे तो क्लास में लाई करेंगे, तो वाई, वाई वाई क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है ना, तो और एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो ये स्कूल हो गया हमारा, इसके अंदर लाई करता है कौन, ये बड़ा भाई हो गया ना, इसके अंदर लाई करता है क्लास, ये क्लास हो गया और ये स्कूल हो गया। तो जो छोटा होता है ना उसको यू के लेफ्ट में रखते हैं और जो बड़ा होता है उसको यू, ऐसा जो यू है लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल यू, उसके राइट में बड़े वाले वैल्यू को रखते हैं और इसको बोलते हैं वाई इज कंटेंड। ये वाई है, ये एक्स है, क्या बोलेंगे, वाई इज कंटेंड इनसाइड एक्स। एक्स के अंदर ही तो लाई कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, वाई कंटेंड इनसाइड एक्स और वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, ऐसे बोल सकते हैं, वाई इज ए सबसेट सबसेट ऑफ एक्स, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये सबसेट का मतलब हो गया जो आपको समझ में अभी आ गया होगा। इजी है, मज़ेदार भी है, ज़्यादा कोई भी लफड़ा नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस पिक्चर को लिख सकते हो। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, असेट, असेट ए जो हमारे पास लिखा गया है, असेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन द एलिमेंट ऑफ बी। आप समझ गए होंगे डेफिनेशन, जो हम लोगों ने बड़ा पिक्चर ड्रॉ किया था इधर, ये क्या था, पूरा का पूरा वाई इस एक्स के अंदर लाई कर गया। तो यहां पर वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, बट एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ वाई, एक्स तो बड़ा पिक्चर है ना। वाई के अंदर यानी कि क्लासरूम के अंदर स्कूल घुस सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ वाई बट वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। स्कूल के अंदर क्लासरूम घुस सकता है लेकिन क्लासरूम के अंदर स्कूल घुस सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, है ना, पॉसिबल नहीं है। वही यहां पे बोला गया है, इसका सिंबॉलिक वे भी दिया गया है, सिंबल में यहाँ पे समझाया गया है, देखो ए सबसेट बी, यानी कि ए छोटा भाई बी बड़ा भाई। चलो अच्छी बात है,
यहाँ पे बोला गया इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो भी स्मॉल ए में होगा वो तो बी में ऑटोमेटिक बिलोंग करेगा। सही बात है, मतलब अगर आप वापस आ जाओ इधर, ठीक है ना, मान लो स्मॉल ए है, स्मॉल ए है इसके अंदर, यानी कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू वाई, बिलोंग्स टू का सिंबल ऐसे होता है ना ई टाइप, इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एक्स, है ना, क्योंकि सब कुछ तो एक्स के अंदर ही लाई कर रहा है। तो ऐसे इस भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बढ़िया है। चलो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कौन पढ़े। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास ये जो क्लास है ना, ये है क्लास, किसी किसी छोटे मोटे स्कूल में आपने देखा होगा, गांवों में एक ही रूम का क्लास है, वही स्कूल है, वही सब कुछ है, होता है बहुत जगह, छोटे छोटे जगहों में एक ही रूम है, उसी को बोलते हैं स्कूल है, क्लासरूम भी वही है, बोलते हैं ना, यानी कि स्कूल भी यही, क्लासरूम भी यही, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स सबसेट ऑफ वाई एंड वाई सबसेट ऑफ एक्स। गरीब है बेचारा, छोटा सा स्कूल है, एक ही रूम का स्कूल है, क्लासरूम भी वही, स्कूल भी वही, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू वाई, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसी लिखने की नौबत आए, x इज ए सबसेट ऑफ y एंड y इज ए सबसेट ऑफ x, इसका रिवर्स भी अगर ट्रू हो जाए, दैट मीन्स बोथ सेट्स आर इक्वल, है ना। ऐसा भी रेयर एग्जाम्पल है, पर ऐसा होता है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ईजी है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखना है बच्चों, भागना नहीं है बीच में, और आराम से देखना है, थक गए हो पानी पी लो, पॉज ले लो, पर पेन पेपर लेके बैठना है और सारा का सारा नोट डाउन करना है। एग्जाम्पल लिया गया, सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ आर। मैं कैमरा चेक कर लूँ एक बार, ऐसा होता है बहुत बार, कैमरा बंद हो जाता है, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, है ना। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ सेट आर ऑफ रियल नंबर्स एंड वी राइट क्यू बिलोंग्स टू आर। कोई भी रैशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। रियल नंबर मतलब पूरा एक्स 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 में जो भी नंबर है वो रियल ही है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, जो भी नंबर आएगा एक्स एक्सिस में उसको बोलते हैं रियल नंबर। अब रैशनल नंबर तो कोई सा भी हो, वो तो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर गया ना, दैट मीन्स क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर, सीधी सी बात है, ठीक है। इफ ए, सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ के बताता हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी में गिवन है, चाहे तो आप भी अपने बुक से पढ़ सकते हो, बुक पढ़ने में बोरिंग लग रहा हो तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, वीडियो समझना आसान होता है एज कम्पेयर टू बुक रीडिंग। बच्चे सो जाएंगे ऐसे, बुक रीडिंग करते सो जाएंगे, रीडिंग करने की आदत खत्म हो गई है बच्चों की। अगर बुक पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हो अच्छी बात है, यहाँ देख लो क्या बोला गया है। एग्जाम्पल सेकेंड, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56 एंड बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56, देन B इज ए सबसेट ऑफ A एंड वी राइट B सबसेट A, ठीक है ना। A क्या है, ऑल डिवाइजर 56, उसमें 2 भी आ जाएगा, 28 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे जो 56 को डिवाइड कर सकते हो, उसमें से कुछ प्राइम वाले निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो प्राइम वाला कौन है, B है, तो B जो पूरा का पूरा है वो तो A में ही लाई कर गया, इसलिए B सबसेट A, बड़ा इजी है। यहां ध्यान से देखो थर्ड वाला, लेट ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5 ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 135 ही लेंगे, 135 इसके पास भी है,
ये तो दोनों इक्वल हो गए, हेंस बोथ आर इक्वल, इक्वल सेट्स। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल, ए क्या है, वॉवेल है, बी क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। पूरा का पूरा ए बी के अंदर लाई कर रहा है क्या, नहीं लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, कुछ एलिमेंट्स है बाकी नहीं लाई कर रहे हैं, तो इनमें कोई रिलेशन थोड़े ना है, इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, सेट या सबसेट तो दूर की बात है, नो रिलेशन एट ऑल, ठीक है ना, इसमें इसमें कोई रिलेशन नहीं है, सबसेट में रिलेशन नहीं है तो सबसेट क्या होगा, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स हैं, ए सबसेट ऑफ बी है बट दोनों इक्वल नहीं है, ए सबसेट ऑफ बी है मतलब बी बड़ा पिक्चर हो गया, बड़ा भाई हो गया, ए छोटा भाई हो गया, इक्वल तो नहीं होंगे, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि बड़े बड़ा भाई को हम लोग सुपर ब्रदर भी बोलते हैं, सुपर ब्रदर, मेरे से बड़ा होगा तो मैं क्या बोलूँगा, सुपर ब्रदर ऑफ मी, ठीक है ना, और छोटा भाई को क्या बोलेंगे, प्रॉपर ब्रदर, प्रॉपर ब्रदर ऑफ मी, मेरे से छोटा होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, ही इज माई प्रॉपर ब्रदर। तो प्रॉपर सबसेट क्या है, छोटा वाला पोर्सन को प्रॉपर सबसेट, और जो बड़ा भाई है सुपर सबसेट, है ना, सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए। तो ये दो वर्ड हैं, कुछ खास मतलब नहीं है, सुपर सेट बोलते हैं बस। फॉर एग्जाम्पल, ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 1 2 3 4, ए लाइज इन साइड बी, ए लाइज इन साइड बी, दैट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ए को हम लोग बोल सकते हैं, ए को क्या बोलेंगे, प्रॉपर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट, सुपर सेट, है ना, सुपर सेट ऑफ ए, बी को ऐसे भाषा में बोल सकते हैं। अगर ए के पास कोई एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, तो क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है ना, ये सब टर्मिनोलॉजी है, सिंगल से ही तो बना है सिंगलटन, जिस सेट के पास सिंगल एलिमेंट हो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है ना। दस ए, देखो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, ए ये सिंगलटन सेट बच्चों वाला है, फिर भी लिख लो, बच्चों वाला है लेकिन लिखना पड़ता है, क्या करोगे, अच्छी बात है। यहाँ देखो ध्यान से, अब एग्जाम्पल है, यहाँ समझ गए तो आगे भी सारे समझ जाओगे। यहाँ पे क्या है, कंसीडर द सेट्स 5, ए क्या है 1, 3 है, और 5 एक सेट है, 5 का मतलब क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ घर है ना, उसी को बोलते हैं 5। ए वाले सेट में 1, 3 है, बी में क्या है 1, 5, 9 है, सी में क्या है 1, 3, 5, 7, 9, सब आपके सामने है। इंसर्ट द सिंबल, सिंबल पे ध्यान देना है आपको, ये वाला या ये वाला, 5, देखो 5 ना हमेशा सबसेट होता है, 5 क्या है हमेशा ही सबसेट होता है किसी भी सेट के लिए, 5 क्या है कुछ नहीं है, 0 है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं वाले चीज तो सबके पास है, मैं बोलूं मेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं जो चीज है ना वो सबके पास है, इतना आपको समझ लो। तो यहां जो 5 है उसको क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ए और बी में देखो क्या रिलेशन है, ए में 1, 3 है, बी में है ही नहीं, तो नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट, है ना, क्योंकि ए का पूरा पूरा एलिमेंट अगर बी के अंदर मिलता तब हम बोल सकते थे, ठीक है ना, ए के अंदर पूरा एलिमेंट होता जो बी के पास है तब हम बोल सकते थे। ए और सी को रिलेट करना है, ए में 1, 3 है, सी में क्या है 1, 3, 5, 7, सी ए बड़ा भाई हो गया, पूरा का पूरा ए सी के अंदर घुस गया, तो क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। बी और सी में देखो क्या है,
159 यस, सी तो और भी बड़ा भाई है, पूरा का पूरा बी इसके अंदर घुस चुका है। तो क्या लिखेंगे, बी जे सबसेट ऑफ सी, बताइए कितना इजी है। इससे इजी कुछ होता है क्या? इससे इजी कुछ होता है? कुछ नहीं होता इससे इजी। इंटरवल्स ऑन सबसेट्स ऑफ आर, इंटरवल्स ऑन सबसेट ऑफ आर काफी इंपॉर्टेंट है, देख लो इंटरवल, ठीक है ना। देखो यहां पे लिखा गया है ओपन इंटरवल, ठीक है ना। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ए कॉमा बी और ये ऐसा वाला ब्रैकेट, गोला वाला, सेमी सर्कल वाला टाइप ब्रैकेट। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो एलिमेंट है ना वो सब डिफाइंड है, ए को नहीं लेना, बी को नहीं लेना, ठीक है ना। मैं क्या बोलूंगा, मान लो युवराज कम से कम दो लड्डू खा सकता है, युवराज की खाने की कैपेसिटी है दो लड्डू से ज्यादा, लेकिन 10 से कम, दो लड्डू से ज्यादा 10 से कम, ठीक है ना। ये कौन है, युवराज है, दो से ज्यादा लड्डू खाएगा लेकिन 10 से कम। इसका मतलब दो नहीं खाएगा, वो दो तो खाएगा ही नहीं, दो से ज्यादा ढाई दे दो खाएगा, चार लड्डू, पांच लड्डू, आठ लड्डू, नौ लड्डू, साढ़े नौ लड्डू तक खाएगा, 9.99 लड्डू तक खाएगा वो, दसवां लड्डू लेकिन नहीं खाएगा, वो दस लड्डू नहीं खाएगा। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, क्या है, ओपन इंटरवल। इसको दिखाएंगे हम लोग ऐसे 2,10, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। दो से ज्यादा लेकिन दो इंक्लूड नहीं होगा, 10 से कम 10 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब आता है ऋषि, ऋषि क्या करेगा, वो दो से स्टार्ट करेगा खाना, दो लड्डू खाएगा वो, इज इक्वल टू लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू व्हाट, 10, 10 भी खाएगा वो, यानी कि या तो वो दो लड्डू खाएगा, दो से ज्यादा, दो को खाते हुए है ना, दो तो खा लिया उसने, तीसरा चौथा पांचवा दस लड्डू तक वो खा सकता है। इसमें क्या था, ये ओपन इंटरवल था, दो नहीं खाएगा वो, दो से ज्यादा खाएगा वो, 2.1 से ज्यादा और 9.999 से कम। इसका मतलब दो और 10 इंक्लूडेड है इसमें। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे दिखाते हैं, 2,10, ऋषि दो लड्डू से स्टार्ट करेगा खाना, युवराज दो से ज्यादा स्टार्ट करेगा खाना, दो नहीं खाएगा वो, दिस इज द वे, ठीक है ना। और एक आता है राहुल, ठीक है, वो क्या करेगा, दो से स्टार्ट करेगा लेकिन 10 तक नहीं पहुंचेगा, एक तरफ से तो इंक्लूडेड है, दूसरी तरफ से नॉट इंक्लूडेड। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे 2,10, दो लड्डू खाएगा लेकिन दसवां नहीं खाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.8, 9.9 तक खाएगा, ठीक है। फिर आता है नवदीप, ठीक है, वो बोलेगा भाई मैं तो दो से ज़्यादा खाऊंगा, बहुत भूख लगती है मुझे, और 10 तक वो खा लेगा। एक तरफ से तो क्लोज इंटरवल है, एक तरफ से ओपन इंटरवल है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2,10 और ये स्क्वायर ब्रैकेट, जहां पर इज इक्वल टू आ गया वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, और जहां पे ग्रेटर देन और लेस देन है वहां पे ओपन ब्रैकेट, ऐसे वाला ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, दोनों ओर से ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, इसी को समझना था। प्लीज मेक ए नोट, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसको ऐसे नंबर लाइन पे दिखाया गया है, डॉट और ब्लैक डॉट और वाइट डॉट, वाइट वाइट का मतलब ओपन, ओपन वाला ब्रैकेट, वाइट वाइट देख रहे हो यानी कि ओपन, ब्लैक डॉट मतलब इंक्लूडेड, ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, ये देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट, एक ब्लैक डॉट एक वाइट डॉट, ठीक है। तो ब्लैक और वाइट, तो ब्लैक का मतलब तो इंक्लूड हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, जहां पे व्हाइट वे नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना, नॉट इंक्लूडेड। ए को इंक्लूड करता हुआ जाएगा और बी तक रुक जाएगा, ये बी नहीं चाहिए,
ए चाहिए, ए चाहिए, आगे बढ़े 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 बढ़े, लेकिन बी के थोड़ा पहले रुक जाना है, बी नहीं चाहिए। और इसका क्या मतलब है, ए के आगे बढ़ेंगे, ए नहीं चाहिए, देखो वाइट है ना, वाइट सर्कल है, ए नहीं चाहिए, ए पॉइंट वन चाहिए, ए से थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना, ए से ज़्यादा, और पूरा का पूरा बी तक जाएंगे, पूरा बी भी हमें चाहिए, बी से ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। ये क्या है, दोनों ओपन, फिर से बता रहा हूँ, बोथ साइड ओपन, ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, दोनों के बीच वाला चीज चाहिए, है ना। पहला में क्या है, ओपन ब्रैकेट फ्रॉम द बोथ द साइड्स, ए बी आर नॉट इंक्लूडेड बट उनके बीच वाला चीज सारे इंक्लूडेड है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा में दोनों इंक्लूड करना है, बीच में होते हुए सारे नंबर, ए को होते हुए ए को इंक्लूड करना है, बढ़ते बढ़ते बी तक जाना है, बी को भी इंक्लूड कर लेना है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। और यहां पर जो लिखाया गया है ध्यान से देखो, यहां पे दिखाया गया है बी माइनस ए, ये जो नंबर आएगा बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द इंटरवल ए कॉमा बी, इंटरवल का लेंथ है वो, इंटरवल का लेंथ है बी कॉमा बी माइनस ए, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है बस। लेंथ ऑफ द इंटरवल पूछेंगे, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू लेंथ ऑफ द इंटरवल, पावर सेट क्या होता है भैया, पावर सेट, कंसीडर द सेट 1, 2, लेट अस राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ 1, 2। देखो अगर मैं बोलूं, कोई भिखारी बोलता मेरे पास 0 रुपीज है, भाई 0 तो हमारे पास भी अवेलेबल है, 0 तो सबके पास है, है ना। उस भिखारी के पास 0 रुपीज है, भाई 0 ऐसी चीज है जो सबके पास होता है, इतना ध्यान में रखो, हाँ मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 0 है, 0 पैसा है मेरे पास, यानी कि जो नल है, यानी कि नल सेट, हम लोग नल सेट को कैसे बोलते हैं मैथ्स में, 0 बोलने की जगह नल बोलते हैं, नल सेट, उसको फाइव से डिनोट करते हैं, कुछ नहीं 0, वो तो सबके पास है 0, राइट। तो ये जो कुछ नहीं का मामला है ना, कुछ नहीं बोलते हैं, फाइव है, नल सेट है, ये सबका सबसेट है, ये सबके लिए सबसेट है, इतना ध्यान में रख लो। तो अगर मुझे बोला जाए कि 1, 2 का सबसेट क्या होगा, इसके सबसेट बनाओ, 1, 2 का सबसेट आप बनाओ क्या होगा, तो बोलेंगे भाई 5, पहला तो इसी को हम लोग बोलेंगे, कुछ नहीं 0, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरीवन, ठीक है, अच्छी बात है। एक हो गया 1, अगर मैं अकेला एलिमेंट ले लूं 1, तो 1 क्या है, सबसेट ऑफ 1, 2। आप एक काम करो, आप 1, 2 के एक नाम दे दो, सेट ए कंटेन 1, 2 और बी कंटेन 1, तो बी तो सबसेट हो गया ए का, ठीक है, और सी कंटेन टू, यानी कि सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सी तो लाई कर गया ए में, और एक ले लेते हैं डी 1, 2, कोई भी दो सेट आपस में सबसेट तो है ही, ये इसके अंदर लाई कर गया, इसके अंदर लाई कर गया, तो देयर आर 4 सबसेट पॉसिबल फॉर दिस काइंड ऑफ सेट, ध्यान से देखना है बच्चों, 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 सबसेट फॉर दिस काइंड ऑफ सेट। तो इसमें पावर सेट क्या है, ये जो सेट बन रहे हैं सारे, 4 सेट बन गए हैं जो इसको बिलोंग करते हैं, तो इन चारों को बोलते हैं पावर सेट, है ना। बी क्या है, सबसेट ऑफ ए, सी क्या है, सबसेट ऑफ ए, डी क्या है, सबसेट ऑफ ए, फाई क्या है, सबसेट ऑफ ए, यानी कि द सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, है ना। ये जो बना मेरे पास, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट्स इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना, बढ़िया।
तो ए के पावर सेट कितने बने? 4 पावर सेट, 1 2 3 4, ए के 4 पावर सेट बन गए, ठीक है, इसी को बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट का आप जनरली याद कर सकते हो कि एलिमेंट 2 है तो पावर सेट कितना बन गया, पावर सेट हो गया 4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 2, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ो। इन जनरल इफ ए इज ए सेट विथ, इसमें अगर m नंबर ऑफ मेंबर है, ए वाले सेट में नंबर कितने हैं, m, तो पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट क्या होगा, 2 to the power m, जितने एलिमेंट उतना 2 का पावर। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ए वाले सेट में 1 2 3 हैं, इसके पावर सेट कितने होंगे पावर सेट कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 to the power 3, कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, तो 2 पे पावर 3, 4 मेंबर होता तो 2 पे पावर 4, 5 मेंबर होता तो 2 पे पावर 5, एंड सो ऑन, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और लिख देता हूं। मान लो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी 5 मेंबर हैं इस सेट में, इसके पावर सेट क्या होंगे, पावर सेट क्या होंगे, 2 to the power 5। समझे कि नहीं बताओ। तो इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है आपको, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर m है तो पावर सेट होगा 2 to the power m। बढ़िया है ना, ओके, होनी चाहिए बात बढ़िया। एक्सरसाइज करेंगे, पानी पी के आता हूं। चलो आगे करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, सिंबल है, यहां पर 2 सिंबल दिए गए हैं, एक तो है सबसेट, दूसरा है नॉट सबसेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्या, सबसेट और क्रॉस किया हुआ मींस नो सबसेट, हमें इसी को तो फॉलो करना है, ये आप समझ रहे हैं ना, इसी को फॉलो करना है। चलो करते हैं, 2, 3, 4, हालांकि रात बहुत हो गई है, कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर, कुत्ते लोगों का म्यूजिक बाहर चालू है ना। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी रात का ही मजा लेना चाहिए। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन दिस इन द ब्लैंक स्पेसेस। मेरे पास क्या है, 2, 3, 4, ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 2, 3, 4 है ना, ये पूरा का पूरा इसके अंदर लाई कर गया। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सबसेट है ना ये, तो ऐसे सिंबल देना पड़ेगा सबसेट वाला, ठीक है ना। ए बी सी इधर है, बी सी डी ना, कोई रिलेशन नहीं है, ए यहाँ है, यहाँ गायब है, नॉट सबसेट, नॉट सबसेट, इसका वाला एलिमेंट इसमें है ही नहीं, यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, गायब हो गया, नॉट सबसेट। एक सर, एक स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल --, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, बात सही है, क्लास 11th का बच्चा है, वो तो स्कूल का ही बच्चा हुआ ना, तो सबसेट तो होगा ही होगा, दिस इज यस सबसेट है। फोर्थ वाला, एक सर्कल इन द प्लेन, एक इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, लेकिन इसका तो रेडियस डिफाइंड ही नहीं है, पता नहीं है भी कि नहीं है, रेडियस कितना है नहीं पता, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, नॉट सबसेट। इसके अंदर लाइक करता ना, इसका छोटा रेडियस होता, दोनों इसके अंदर ये सर्कल लाइक करता, तब बोलते सबसेट है, यहां तो कोई रिलेशन ही नहीं, इसका रेडियस का पता ही नहीं है। एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन एंड एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, क्या करें, ट्राइंगल इन द प्लेन, रेक्टेंगल इन द प्लेन,
भाई ट्रायंगल तो ट्रायंगल के अंदर हो सकता है, ये अगर ट्रायंगल बड़ा हो गया तो रेक्टेंगल के अंदर हो सकता है, नहीं आता होगा, तो ये तो रिलेशन ही नहीं है, नॉट रिलेशन एट ऑल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, दूसरा बोल रहा है ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, हाँ ये हो सकता है, बिलोंग कर सकता है ना, बिलोंग कर सकता है बच्चों। तो आपको सोचना है कि कैसे बिलोंग करेगा सिक्स्थ वाले में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा है ट्रायंगल, कुछ गिर गया आंख में, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, दूसरा है ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो ट्रायंगल ट्रायंगल की बात है, सिमिलैरिटी तो है, दोनों एक ही जैसे हैं ना, सिमिलर हैं, तो हो सकता है ये इसके अंदर लाई कर जाए, ये हो सकता है सेट, सबसेट हो सकता है ये। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर में तो सब कुछ आता है, इवन नेचुरल नंबर भी आता है, तो यानी कि ये सेट है इसका, ये तो बात जम गई हमारे को, ठीक है ना बच्चे, सेट है, बढ़िया आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है ना, ट्रू है कि फॉल्स है। ए कॉमा बी नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए, ए भी है ना, ए भी तो यहां भी है, ऑर्डर मैटर, ऑर्डर तो कभी मैटर नहीं करता सेट्स में, ए कॉमा बी यहां भी है, ए कॉमा बी यहां भी, सबसेट होना चाहिए था ना, ये बोल रहा है नहीं है, वो फॉल्स, क्या लिखेंगे फॉल्स, AE इज ए सबसेट ऑफ वॉवेल इन द, हाँ AE तो वॉवेल ही होता है ना, फाइव वॉवेल होते हैं उसमें से ये दो यहां दिखा रखा है, तो बिलोंग कर रहा है वॉवेल को, यानी कि यस ट्रू सबसेट है A कॉमा E सबसेट ऑफ वॉवेल। वन टू थ्री है, इधर टू तो गायब है, और ये बोल रहा है सबसेट है, बेवकूफ है क्या, फॉल्स है ये, टू तो यहां लाई नहीं कर रहा है ना, ए सबसेट ऑफ ए बी सी, सही बात है, ए तो यहाँ लाई कर गया, ट्रू है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बिलोंग्स टू तो है, सही बात है, बिलोंग तो कर रहा है ना, ट्रू। इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, बताइए, डिवाइड्स 36 को कौन डिवाइड करेगा, 12 भी तो डिवाइड करता है, लेकिन ये 12 है, यहाँ पे, यहाँ पे लेस देन सिक्स की बात हो रही है, नहीं 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 फॉल्स हो गया है, तो 18 भी इसमें आता है डिवाइड्स में, लेकिन ये तो बात कर रहा है 6 से कम, और यहाँ सेट दिखा रखा है, सबसेट दिखा रखा है, सबसेट तो होगा ही नहीं इसके पास, होगा कि नहीं होगा। इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, दोनों डिवाइड करता है 36 को, यहाँ क्या लाइक करेगा, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, कौन कौन से नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करेंगे, लिख लेते हैं ना, 2, 4, 9, 12, 18, बोलो है फॉल्स है कि नहीं, हाँ पकड़ लेते हो कभी कभी गलती, है ना फॉल्स है ना, चलो मान लिया भाई ट्रू है, 2,4 यहाँ भी है, 2,4 यहाँ भी है, सबसेट है ना, है ट्रू, सावधान रहिए सतर्क रहिए, बोलते हैं ना वो क्राइम पेट्रोल में, सावधानी हटिए दुर्घटना घटिए, सावधान रहिए सतर्क रहिए, इसीलिए सतर्क रहिए वरना गलत आंसर ना कहीं टिप दे एग्जाम में आप लोग, चलो नोट करो इसको जल्दी। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मालूम होने वाली हैं, तो ध्यान से देखना ध्यान से समझना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट और पेन पेपर लेके समझना ताकि आप नोट डाउन कर पाओ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए के अंदर 1 है 2 है और एक और सेट ड्रॉ किया गया है, एक और सेट यहाँ पे दिखाया गया है, 3,4 को अलग से एक सेट के अंदर रखा गया है, तो इसको बेसिकली आप एक काम कर सकते हो, सेट के अंदर भी एक सेट है इसको आप नाम दे दो,
है ना, इसको हमने एक नाम दे दिया, एक सेट का नाम दे दिया, क्योंकि सेट के अंदर भी जब सेट हो ना, एक नाम दे के आप इसको चीज़ों को सिंपल बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को देखा है कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखो और बार बार देखो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू वन टू बी फाइव, ठीक है, ये लिखा है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सी गलत है और क्या है वो बताना है, रीजन भी बताना है। चलो पॉइंट नंबर वन में आते हैं, 3.4 सबसेट ऑफ ए, 3.4 को हमने क्या लिखा है, बी लिखा है, बी क्या लिखा है हमने, सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये हो गया बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब हमने बी लिखा है तो ये बी एक सेट के फॉर्म में होना चाहिए, और सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं हमेशा, इस ब्रैकेट में लिखते हैं, ये गलत है। लेकिन मैं अगर लिखूं सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तब तो बात सही है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत है ये सही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, जब भी हम सबसेट की बात करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3.4 सिंगल ब्रैकेट, ये तो बी है मेरे पास, बी सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखना गलत है, हमारे को कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता। अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट होता तब मैं बोलता सही है। तो पहला वाला क्या आ गया, पहला तो रॉन्ग हो गया ना, कर्ली ब्रैकेट, यानी कि अगर इसको सही सही लिखना होगा सबसेट के फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिखूंगा, बी को यहाँ लिखेंगे, बी क्या है 3.4, ये है, दिस इज द वे टू राइट। अब बी के पास एक और अंदर कर्ली ब्रैकेट था ना, तो अंदर वाला कर्ली ब्रैकेट एक बाहर भी कर्ली ब्रैकेट, दिस इज द राइट वे टू राइट, सो दिस इज रॉन्ग, पहला वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि बी इज नॉट अ सबसेट बट एलिमेंट ऑफ ए, बी सबसेट नहीं है, बी एलिमेंट है ए का, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट इसके अंदर लाई करता है, तो बी एलिमेंट होगा, ठीक है। यहां ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज सबसेट ऑफ ए, ये लिख सकते हैं, सिंपल बी लिखेंगे, इट इज नॉट ए सबसेट बट एलिमेंट ऑफ ए, सबसेट लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप समझ लो इस चीज को। तो ये पहले का एक्सप्लेनेशन में आप ये ऐसे लिख सकते हो, सेकंड वाला है ना, इसको नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, चलो अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट, 3.4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बात सही है, 3.4 यानी कि बी है ना पूरा सेट के साथ, बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट बी कैन बी एलिमेंट, जब एलिमेंट की बात होती है तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ध्यान में लिख लो, जब एलिमेंट की बात होगी तो यहां कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू क्यों है, क्योंकि बी यानी कि 3.4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, वो तो है एलिमेंट इसके अंदर। थर्ड, हाँ ये सही लिखा है इसने, अभी जो पहले वाले में गलती की थी इसने सुधार ली, तो लिख लेंगे इट इज ट्रू, ठीक है ना, बढ़िया। फोर्थ वाले में क्या करेंगे हम लोग, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सही बात है, एलिमेंट को किसी कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, फोर्थ वाला ट्रू लिखेंगे, क्योंकि 1 इज प्रेजेंट इन साइड द सेट ए, ठीक है। फिफ्थ वाला, 1 इज एन सबसेट ऑफ ए, देखो कोई भी एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता, ठीक है ना, 1 इज एन सबसेट ऑफ ए, फॉल्स लिखेंगे, लिख लो, एनी एलिमेंट कैन नेवर बी अ सबसेट, एनी एलिमेंट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ एनी सेट, सबसेट ऑफ एनी सेट,
ये गलत है। एलिमेंट तो है, वन इज एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन वन इज सबसेट नहीं है। सबसेट होना होगा तो कर्ली ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा मुझे। बढ़िया ना। सिक्स, वन टू फाइव बिलोंग्स सबसेट ऑफ ए, वन टू फाइव सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू स्टेटमेंट है। वन टू फाइव सबसेट है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है, क्योंकि इसके एलिमेंट यहां लाई कर रहे हैं पूरा, तो लिखेंगे इस ट्रू। ट्रू क्यों है? क्योंकि वन टू फाइव बिलोंग्स टू ए, सारे एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर कर्ली ब्रैकेट दिस सेट बिलोंग्स टू ए। सेवन, वन टू फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये गलत हो गया। एलिमेंट को आपने कर्ली ब्रैकेट में डाल रखा है, एलिमेंट को कभी कर्ली ब्रैकेट में नहीं डालते हैं, ठीक है? तो यहां लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स, बिकॉज वन टू फाइव ये जो सेट है ना, ये सेट वन टू फाइव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, बट वन इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, टू इज एलिमेंट ऑफ ए, फाइव इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं एलिमेंट्स को, कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते, सेट बन जाता है वो। कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया मतलब सेट बन चुका है वो। बढ़िया ना, ठीक है। सेवन, एट की बात करते हैं, एट की बात करते हैं। वन टू थ्री सबसेट ऑफ ए, नो 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 नो, फॉल्स। यहां थ्री लिखा हुआ है, जबकि थ्री कॉमा फोर कर्ली ब्रैकेट में एक साथ लिया गया है, तो दे कैनॉट बी सेपरेटेड। राइट डाउन, यहां पे आप लिख लो थ्री कॉमा फोर लाइज इन ए ब्रैकेट, लाइज इन ए कर्ली ब्रैकेट, एंड दे कैनॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, दे लाई एक साथ। तो थ्री इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब बोलोगे सर थ्री तो यहां है, लेकिन थ्री अकेला थोड़ी है, थ्री और फोर को मिला के एक सेट बनाया गया है, वो एक साथ है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं थ्री इज एलिमेंट, हम ये भी नहीं बोल सकते हैं फोर इज एन एलिमेंट। चलो फिलहाल इसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन थ्री इज नॉट एन एलिमेंट, फोर इज ऑल्सो नॉट एन एलिमेंट, बट क्या, थ्री कॉमा फोर इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन अलग अलग बोला जाए तो नहीं लिख सकते, ठीक है ना। थ्री इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये सबसेट, तो ये पूरा सबसेट तो हो ही नहीं सकता। नाइन्थ, फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट तो वही होता है जो इसके अंदर मुझे दिख जाए। क्या फाइव इसके अंदर आपको दिख रहा है? फाइव एक सेट होता है, तो फाइव आपके आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? सिंस फाइव इज नॉट इन सेट ए, देयरफॉर फाइव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, दैट्स इट। टेंथ, फाइव सबसेट ऑफ ए बोला गया है, फाइव सबसेट ऑफ ए बोला गया है, तो यस, कोई भी नल, फाइव क्या होता है? नल सेट। कोई भी नल सेट किसी भी सेट के लिए सबसेट होता है, तो लिखेंगे यस ट्रू, ठीक है ना। फाइव यहां लिख लो, फाइव इज ऑलवेज अ सबसेट फॉर एनी गिवन सेट, एनी गिवन सेट, ठीक है बच्चों। इलेवेंथ, एक बार कैमरा चेक कर लूं। कैमरा चेक करना होता है, अदरवाइज मालूम पड़ा बंद हो गया। इलेवेंथ, फाइव को सेट में रखा गया है, ठीक है ना, इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये सबसेट तो ये हो सकता है, ये जब हमने कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो ये एलिमेंट फिर यहाँ मुझे दिखना चाहिए। अगर हमारे पास ये अगर सबसेट होना है तो ये वाला चीज़ यहाँ दिखना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट।
दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो सबसेट फाइव तो सबसेट होता ही है किसी भी का, लेकिन अगर हमने कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो ये एलिमेंट जो बना फाइव बिलोंग्स टू, देखो फाइव क्या होता है, फाइव बिलोंग्स टू दिस सेट, फाइव बिलोंग्स टू दिस सेट, वो तो सही है, बट फाइव डज नॉट बिलोंग टू ए, देयरफॉर इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, इलेवेंथ वाला इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारे पार्ट्स कर लिए इलेवेंथ वाले, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के इलेवेंथ भी हो गया, सारे पार्ट्स कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, ट्राई करो बच्चों सबसेट लिखने की कोशिश करो, कर पाते हो? क्वेश्चन नंबर फोर, पहला, हाँ पहला क्या है, पहला में बोला राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो फर्स्ट ए लिखा गया है, तो कोई भी अपना सबसेट तो होता ही है ना, दिस सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा क्या ले लेंगे, फाइव, फाइव तो हमेशा ही किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो ये दो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड, ए और बी के लिए बोला गया सबसेट लिखिए, तो आप अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, ए इज ए सबसेट, बी इज ए सबसेट, एंड ए कॉमा बी भी सबसेट है, और फाइव तो है ही, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस ऑल आर द सबसेट ऑफ दिस। थर्ड, वन टू थ्री, तो इसके सबसेट क्या होंगे, पहले तो वन लिख लो, फिर टू लिख लो, फिर थ्री लिख लो, है ना, अलग अलग नंबर्स करके ऐसे ऐसे लिख लो, और सबको कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी है, तभी सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरी बात, में कॉम्बिनेशन भी तो बना सकते हैं ना, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा टू, राइट, टू कॉमा थ्री, और एक दो तीन चार पाँच छः, होने कितने चाहिए, टू टू द पावर थ्री, हमने पावर सेट किया था ना, तो टू टू द पावर कितने पावर होने चाहिए, यहाँ तीन एलिमेंट है ना, तो तीन पावर, यानी कि ऐसे ऐसे एट आपको सबसेट्स मिलेंगे, वन टू थ्री अलग अलग तो कर लिया हमने, वन टू वन थ्री, ठीक है, वन टू वन थ्री, फिर टू थ्री और थ्री वन भी बनेंगे ऐसा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फाइव, फाइव भी तो एक बनेगा, आठ, ठीक है, वन टू टू थ्री, थ्री वन, ठीक है, काउंट करके देखो, काउंट करके देखो जल्दी जल्दी, ओके बेटे, वन टू थ्री भी तो होगा, काउंट करके देखो, हाँ कोई भी अपना तो सेट होता ही है, और अच्छा ये दो बार हो गया, वन थ्री थ्री वन नहीं लिख सकते, दो बार हो गया ये, मतलब अपना ही कोई भी सेट अपना सबसेट होता ही है, तो आप इसको अपना ही सबसेट डाल दो, वन टू थ्री, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हो गया टोटल, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ में क्या होगा, फाइव, फाइव है ना हमारे पास, तो फाइव के लिए क्या लिखेंगे भाई, देखो फाइव ना किसी का भी सबसेट होता है, तो फाइव के लिए फाइव ही फाइव लिख लेंगे, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो उसका आंसर वही होगा जो गिवन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू फाइव, फाइव में तो कुछ नहीं है, तो टू टू द पावर जीरो लिखेंगे, वन एलिमेंट ओनली, ठीक है ना, इस फॉर्मूला तो है हमारे पास, टू टू द पावर थ्री, फाइव में तो जीरो एलिमेंट है, तो टू टू द पावर जीरो यानी कि वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो वन एलिमेंट,
राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इसको ध्यान से पढ़ो। यहाँ क्या लिखा गया, x बिलोंग्स टू r और माइनस फोर लेस देन x लेस देन सिक्स, आपको इसमें लिखने हैं इंटरवल्स के फॉर्म में, है ना। क्लोज है या बंद है क्या है, हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन हमने किया था ना। सिक्स्थ का क्वेश्चन नंबर वन, सिक्स्थ का क्वेश्चन नंबर वन, सिक्स का फर्स्ट, माइनस फोर। तो देखो माइनस फोर के बाद लेस देन है एक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ लिखा है कि माइनस फोर लेस देन इक्वल टू सिक्स है, तो सिक्स के लिए आप क्लोज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये रेक्टेंगल जैसा है ना, ये दिखाना पड़ेगा आपको, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। यहाँ दोनों होगा ओपन ब्रैकेट, माइनस ट्वेल्व कॉमा माइनस टेन दोनों ओपन ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं, सिर्फ लेस देन है। थर्ड, इसके लिए क्या लिखेंगे, जीरो कॉमा सेवन ओपन ब्रैकेट, जीरो इंक्लूड होगा स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे, यहाँ दोनों स्क्वायर ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्क्वायर ब्रैकेट थ्री कॉमा फोर स्क्वायर ब्रैकेट, थ्री कॉमा फोर स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है ना, बढ़िया है, इजी है, इसको नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि आपको ना लैंग्वेज देना पड़ेगा, एक्स वाला था ना, एक्स सच दैट वाला, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेट का नाम दे दो ए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर, अच्छा मुझे लगा कॉल आ रहा है, रियल नंबर, और एक्स कहां से कहां तक होगा, देखो यहां पे ओपन ब्रैकेट है, माइनस थ्री और जीरो ओपन ब्रैकेट में डाला गया है, सच दैट एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री एक्स लेस देन जीरो, ये लिखेंगे हम, ठीक है ना, बढ़िया। इसके लिए क्या लिखेंगे, इस सेट का नाम बी दे दो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वे दोनों, देखो दोनों यहाँ ना क्लोज ब्रैकेट में है, क्लोज ब्रैकेट में है, यानी कि लेस देन इक्वल टू वाला साइन लेना पड़ेगा आपको, वेयर सिक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व, ये लिखेंगे हम लोग। थर्ड पोर्शन, सी सेट नाम दे दो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वेयर सिक्स लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व, ये क्लोज ब्रैकेट में है तो लेस देन इक्वल टू, ये ओपन ब्रैकेट में है सिंपल लेस देन नॉट इक्वल टू। डी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, माइनस ट्वेंटी थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन फाइव, बस हो गया, कितना सिंपल था, प्लीज बच्चों मेक ए नोट। हाँ बच्चों, एट और नाइन खत्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रोपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स द सेट ऑफ आइसोसिस ट्राइंगल, ठीक है ना, पार्ट वन में बोला गया है कौन सा हम यूनिवर्सल सेट इनको दें ताकि ये इसके अंदर लाई कर जाए, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो यूनिवर्सल सेट क्या लिखेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट क्या लिखेंगे, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स की बात हो रही है, राइट ट्राइंगल इज वन ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसमें सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, इसमें सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, राइट ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो। सिमिलरली इसके लिए भी लिखेंगे आइसोसिस ट्राइंगल, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइंगल हो गया जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, इसके लिए भी सेम सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, उसमें आइसोसिस भी लाई कर जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना, चलो बढ़िया। नाइन्थ,
9th बोला गया है, इसको बारी बारी से कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट, मतलब ए बी सी को सी के लिए बोला गया है कि यूनिवर्सल सेट कौन कौन सा होगा बताइए। गिवन द सेट्स ए बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द थ्री सेट्स ए बी सी, यहाँ तीनों के लिए बात हो रही है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। यहाँ देख लो ए क्या है, 135 है, यहाँ 135 है, तो ए तो लाई कर गया ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अच्छी बात है। और बी इज ऑल्सो, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस इंटायर थिंग, ठीक है, लेकिन सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस इंटायर थिंग, क्योंकि यहाँ तो 8 तक गया हुआ है, यहाँ तो 6 तक खत्म हो गया, तो ये जो है दिस कैनॉट बी, दिस कैनॉट बी, कैनॉट बी द यूनिवर्सल सेट, कैनॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर ऑफ ए बी सी, ऑफ ए बी एंड सी। दूसरा क्या है, फाइव, ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो फाइव का कभी नहीं हो सकता किसी का भी, यहाँ तो ऑब्वियसली नो कर दो, नो। थर्ड वाले को देखो, 0, 1 से लेकर पूरा 10 तक है, यानी कि पूरा ए बी सी विल लाई इनसाइड दिस, तो हम बोल सकते हैं दिस इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल सेट्स ए बी एंड सी, यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ए बी एंड सी सेट्स। ये 1 से लेके 8 तक है, लेकिन यहाँ 0, यहाँ पे तो 0 भी है ना, तो ये फेल हो गया, सी के केस में फेल हो गया, बाकी केस में पास हो गया, लेकिन हमें तो तीनों के लिए बात करनी है कंबाइन, सो दिस कैनॉट बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी कंबाइन, ठीक है ना, चलो नो लिख दो, नो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक ये आपका एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है, इसके बाद वेन डायग्राम है, ठीक है, उसका भी आपको वीडियो मिलेगा, बने रहो, देखते रहो, पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।